तो हमारा जो नेक्स्ट टैब है वो है मेलिंग। अब मेलिंग टैब में कई सारी चीज़ें हैं देखा जाए तो, जैसे इसमें सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है क्रिएट का, उसमें एक ऑप्शन है एनवलप्स। एनवलप क्या होते हैं? वो लिफाफे जिनमें हम लेटर वगैरह डाल के पोस्ट कर देते हैं, है ना। मतलब और भी अलग तरह के एनवलप होते हैं, लेकिन ये मेलिंग में जो एनवलप की बात हो रही है वो वाले लिफाफे हैं जिनमें लेटर जाता है, ठीक है, लेटर या डॉक्यूमेंट या किसी तरह का कोई फोल्डर वगैरह। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एनवलप पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, ठीक। एनवलप बनाने से पहले उसमें कुछ सेटिंग हम कर लेते हैं, जैसे हमें एड्रेस, ये जो एनवलप है उसमें जो लेटर जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीवरी एड्रेस लिखते हैं, है ना। सपोज़ कीजिए कि आप का जो डिलीवरी एड्रेस है वो क्या है, मास्टर कंप्यूटर्स पल्लवपुरम मेरठ, ठीक है। ये आपका क्या है, डिलीवरी एड्रेस है, यानी कि जहाँ पर आपका लेटर पहुँचेगा, ठीक। भेज कहाँ से रहे हम, जहाँ से भेज रहे हैं वहाँ पे उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न एड्रेस। लिफाफे पर रिटर्न एड्रेस भी लिखा जाता है, तो जैसे यहाँ से जा रहा है, यहाँ से एड्रेस जा रहा है। अब रिटर्न एड्रेस लिखते क्यों, हम अपना एनवलप के ऊपर हम अपना एड्रेस क्यों लिखें, बस वही एड्रेस काफ़ी है जहाँ पर लेटर पहुँचना है, जैसे कि डिलीवरी एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस इसलिए लिखा जाता है, अगर आपका लेटर जाने वाले स्थान पर नहीं पहुँचा किसी वजह से, तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि आपका लेटर आपको वापस पहुँचा देता है। वो तब पहुँचाएगा वापस जब उसको रिटर्न एड्रेस मालूम होगा। तो किसी भी एनवलप पर आपके दोनों एड्रेस लिखे होने ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रीव्यू हमें दिखाता है कि प्रीव्यू में जो एड्रेस है वो किस तरह से सेट होंगे। ये जो यहाँ ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो आता है हमारा रिटर्न एड्रेस, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एड्रेस वो यहाँ पर आएगा एनवेलप में, और जो डिलीवरी एड्रेस है वो हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। ये ऊपर जो होता है वो टिकट वगैरह चिपकाने के लिए जगह होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है फीडिंग का। फीडिंग पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, ये बताता है कि हम फीडिंग मेथड किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब ये फीडिंग मेथड क्या है, होता क्या है कि हमारे प्रिंटर का जो साइज़ होगा वो A4 से कम होता है, मतलब A4 के बराबर का होता है, और जो लेटर का साइज़ होता है वो कम होता है ना। तो ऐसा समझेंगे यहाँ ये जो एरिया है वो प्रिंटर का मुहाना है ना। तो लेटर को हम प्रिंटर के मुहाने पर किस तरह से रखें कि उस पर एड्रेस प्रिंट होकर के सही तरह से आ जाए, है ना। तो ये हमें खुद को बताना पड़ता है। अगर हम लेटर को राइट में उल्टा करके रखेंगे, उल्टा करके मतलब जो लेटर का एनवलप होता है उसके दो साइड होते हैं, एक तो वो हिस्सा जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है और एक पीछे वाला हिस्सा जहाँ से एनवलप खुलता है ना। तो जिस पर लिखा जाता है एड्रेस, जिस हिस्से पर एड्रेस लिखा जाता है वो हमारा फेस अप होता है। फेस अप, अगर मैं यहाँ पे फेस अप पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा वही वाला हिस्सा आ जाएगा, जैसे हमें दिख रहा होगा छोटा छोटा कि यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है और टिकट वगैरह लिखा हुआ है। तो हम अगर इसको इस तरह से प्रिंटर में रख रहे हैं तो हमें यहाँ से फेस अप वाला ऑप्शन टिक सेलेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको लेफ्ट में सीधा सीधा रख सकते हैं, या फिर सेंटर में सीधा सीधा रख सकते हैं, या फिर राइट में सीधा सीधा रख सकते हैं, या फिर टेढ़ा करके लेफ्ट में रख सकते हैं, टेढ़ा करके सीधा रख सकते हैं बीच में मतलब, और टेढ़ा करके इसको राइट में रख सकते हैं। एक तो 6 तरीके हो गए हमारे पास,
और बाकी 6 तरीके होते हैं एनवलप को पलटने के बाद, यानी कि हम ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक, तो जैसा चाहें आप वैसा रख सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह से आप एनवलप को प्रिंटर में रख रहे हो प्रिंट करने के लिए, वैसा आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं फेस अप में जा करके ये पहला वाला ऑप्शन जो लेफ्ट हिस्सा प्रिंटर का इस्तेमाल हो रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, बाकी और इसमें कुछ नहीं छेड़ना, इसको ओके कर देना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं ऑप्शंस में चला जाऊँ तो वापस से यही खुलेंगे। इसमें एक ऑप्शन है एनवलप ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन जो मैंने अभी बताया, और यहाँ पर है एनवलप ऑप्शन। अब इसमें क्या है कि जो लेटर का साइज है वो हम यहाँ से सेट करते हैं कि हमें कितने बड़ा या कितना छोटा एनवलप लेना है। अगर हम बात A4 साइज के पेपर की कर रहे हैं जिसमें हम लेटर लिख के भेज रहे हैं, तो हम किसी भी साइज का एनवलप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि हमें लेटर जो है मोड़ करके ही रखना है। ठीक, तो हम इसमें से कोई भी एनवलप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज जैसे हमने B4 ले लिया, इसमें क्या होगा 250 × 353 mm में इसका साइज होगा। ठीक है, तो जो भी हम साइज चाहें वो हम यहाँ से ले सकते हैं, कुछ इस साइज का हमारा एनवलप होगा। या हमने अगर डिफॉल्ट कुछ साइज डिफॉल्ट होते हैं जैसे 6:3/4, ये जो है इसका स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, ये हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिलीवरी एड्रेस के लिए सेटिंग है, और यहाँ पर है रिटर्न एड्रेस के लिए सेटिंग। जैसे कि अभी मैंने बाहर दिखाया, यहाँ यानी कि ये जो डिलीवरी एड्रेस जो लिखा हुआ है या इसका जो साइज है वो सब हम कहाँ से चेंज करते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो रिटर्न एड्रेस का जो लिखा हुआ है और इसका जो साइज वगैरह है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, मतलब हम चेंज ही करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ से फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको कौन से स्क्रिप्ट में डालना है, ये सब चीज़ें हम होम ग्रुप में कर चुके हैं पहले, है ना। तो इसमें से कोई भी चीज़ चुनना इतना मुश्किल नहीं है, बस ऑप्शन लो, सेलेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे रिटर्न एड्रेस का भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि अगर ये जो इसका डिलीवरी एड्रेस है इसको लेफ्ट से जो साइज है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जो लाइनें हैं ये खिसकती दिखाई देंगी, खिसक गई हैं, यहाँ थी पहले और अब खिसक करके यहाँ पर आ गई, है ना। और अगर हम इसको घटा देंगे तो लेफ्ट में साइज इसका घट जाएगा। ठीक है, और अगर बढ़ा देंगे तो लेफ्ट में साइज इसका बढ़ जाएगा और राइट में घट जाएगा। लेफ्ट में बढ़ गया और राइट में घट गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से टॉप से भी इसको चेंज कर सकते हैं कि हम इसको कितना ऊपर रखें और कितना नीचे रखें। ठीक, यानी कि इस तरह से ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह से जो रिटर्न एड्रेस है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज जो इसके मार्जिन का साइज है वो चेंज कर सकते हैं। फिर वही बात, चेंज करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट भी वो अपने आप सही लेगा, बाकी आपकी इच्छा है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब काम करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद हम यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए पहुँचा देगा, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने अभी सेट नहीं किया प्रिंटर, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐड टू डॉक्यूमेंट जैसे ही करेंगे तो हमारा जो एनवलप है वो बन करके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रिटर्न एड्रेस, और यहाँ पर हमारा आ गया है डिलीवरी एड्रेस। अगर आप कुछ फेरबदल करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक, तो ये तो होता है कि हम एनवलप कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम एक और पेज ले लेते हैं, न्यू पेज। मेलिंग में नेक्स्ट टॉपिक है लेबल का। लेबल ये उसी तरह से हैं जैसे कि हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई टॉफी है, कोई
कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर लेबल चिपका होता है, कोका कोला पेप्सी वगैरह इस तरह के, तो वो सब एक ही जैसे होते हैं। अब जब एक ही जैसे होंगे तो जाहिर सी बात है कि बन गया, एक बार होगा, एक बार बना दिया और उसको प्रिंट कई बार निकाल दिया, है ना। तो लेबल इसी तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर लेबल की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर लेबल की ज़रूरत ये होती है जैसे कि हम अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, है ना। तो अगर हम किसी ऑफिस के एड्रेस के लेबल बना लें तो हमें वो एड्रेस बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। या फिर किसी व्यक्ति को हमें एड्रेस जो है लेटर बार बार भेजना पड़ता है तो हम उसका एड्रेस एज ए लेबल बना करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेबल पर क्लिक करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एड्रेस लिख लेंगे, हमने जैसे अपना ही एड्रेस लिख लिया, ये हमने अपना एड्रेस लिख लिया। ठीक है, अब इस एड्रेस के जो है हमें बहुत सारे लेबल मिल जाएंगे, बहुत सारे, कितने सारे, जितने हम चाहते हैं उतने सारे, ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं करनी, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि सबसे पहले काम कर रहे हैं, एक इसके बाद में एक चीज़ बताऊंगा जिससे और आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख लिया, फिर हम ऑप्शंस में चले गए। ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे 30 पर पेजेस, यानी कि एक पेज पर 30 एनवलप हमारे, सॉरी लेबल हमारे आ गए, ठीक है। यानी कि एक पेज पर 30 बार ये एड्रेस लिखा चला गया, ठीक है। जैसे हम यही वाला ले लेते हैं, ये लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर सेटिंग हो गई हमारी, या इसको हम इसको साइज जो है 30 पर पेजेस ये वाला ले लेते हैं कि हाइट तो इसकी इतनी हो और विड्थ इसकी इतनी हो, ओके कर दिया। और इसको हमने कर दिया न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे हमने न्यू डॉक्यूमेंट किया तो क्या हुआ कि वो जो एड्रेस हमने लिखा था वो एड्रेस यहाँ पर 30 बार एक स्लिप के जैसा बन करके आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो स्लिप बन करके आई हैं तो ये टेबल के अंदर बन करके आई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने इंसर्ट में इस टेबल को इस्तेमाल किया था, ठीक है। यानी यहाँ पर भी टेबल टूल्स आ गए, डिज़ाइन वाले ऑप्शन वही हैं और लेआउट वाले ऑप्शन भी सारे वही हैं, यानी कि इस टेबल पर भी वो सारे ऑप्शन अप्लाई हो सकते हैं जो हमने इंसर्ट में किए थे। इंसर्ट में जो हमने पिछली क्लास की थी एमएस वर्ड की, उसमें हम इंसर्ट का दोबारा से देख सकते हैं चाहे तो जा करके, और इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेबल तैयार कर सकते हैं, फिर इनको निकाल करके काट सकते हैं, काट के चिपका सकते हैं, ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है मेल मर्ज। मेल मर्ज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जुड़ा हुआ इसी से ही है। एक और हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे, मेल मर्ज होता क्या है सबसे पहले हम समझ लें। तो मेल मर्ज क्या है, या क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम मेल मर्ज की बात नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल हम लेबल और एनवलप का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मेल मर्ज की बात करेंगे।